पेट्रोलियम पदार्थों एवं कोयले के रेट में हुई वृद्धि का असर पाक और सीमेंट के उद्योग में दिखाई देने लगा है। सीमेंट और पाक के उद्योग लगातार रेटों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी को घर बनाना काफी महंगा हो गया है। इस संबंध में उनसे खास बातचीत करने के लिए मोहित अग्रवाल जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से आजकल जो सीमेंट और सरिया के रेटों की वृद्धि हुई है, किस तरह की दिक्कतें व्यापारियों के सामने आई है, कितना उद्योग में जो इनका व्यापार है कितना कम बिक्री होने लगी है। सर आपका स्वागत है। मोहित जी ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में लगातार सीमेंट और सरिया के रेटों में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है? हम जहाँ मान के चलते हैं एक डेढ़ महीने में सीमेंट में लमसम हर साल एक महीने में सीमेंट में 20% की वृद्धि हो चुकी है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है एक ग्राहक के द्वारा। और सरिये में 30% की वृद्धि लगभग डेढ़ महीने दो महीने में हो चुकी है, जिससे एक आम आदमी त्रस्त हो चुका है इस महंगाई से। और जितना भी लोहा व्यापार सामग्री है वो देश से सब एक्सपोर्ट होने की तैयारी में है। एक्सपोर्ट होने की वजह से काफ़ी हद तक जो कीमतें हैं वो आसमान छू चुकी हैं। और कौन से कारण जिनके कारण महंगाई बढ़ी है, सरकार को क्या कदम उठाए कि इस महंगाई को कम किया जा सके? सरकार को कुछ योजनाएं निकालनी चाहिए एक आम आदमी के लिए। आम आदमी त्रस्त हो चुका है ना, वो अपना एक जिसे हम आशियाना बोलते हैं घर को, वो उसके लिए एक ईंट भी नहीं रखा जा सकता आज की तारीख में। जो सीमेंट का भाव 315-320 रुपये हुआ था वो लगभग 400 तक पहुँच चुका है, बाजार में 400-390 तक बिक रहा है। सरिया हमारा से एक डेढ़ महीना पहले 55-60 तक हुआ करता था और वो आज 75-80 तक पहुंच चुका है। जो इतनी वृद्धि है इससे एक आम आदमी बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। मोहित जी आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा, क्योंकि रेटों में वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं व्यापार घटा होगा, बिक्री घटी होगी, कितना असर पड़ा आपके व्यापार पर? देखिए जी, व्यापार पर तो इसका सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में वृद्धि है और बिक्री काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है, मैं मान के चलता हूँ कम से कम 50% तक तो नीचे घट चुकी है, 40-50%। अच्छा मुझे सुनने में ये आ रहा था कि कई जगह पर जो बड़े निर्माण कार्य होते थे प्राइवेट एजेंसियाँ करा रही थी या प्राइवेट व्यक्ति करा रहा था, उस काम को भी रोका गया है कि आदमी इसलिए काम नहीं करा रहे थे, बड़े हुए और लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए उसमें जिन लोगों के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, उन लोगों के जितने भी टेंडर्स होते हैं वो लगभग 80 रुपये के आसपास के तो होते हैं या 75-80 रुपये के। आज वो ऑलरेडी जो प्राइसेज हैं उनके उनका अपना प्रॉफिट भी निकालना है, अपने खर्चे भी निकालने हैं लेबर के, वो भी नहीं निकाल पा रहे क्योंकि 90-95 तक 100 रुपये तक उनकी लागत पहुँच चुकी है और जो 75-80 के टेंडर भरे हुए हैं वो 100 रुपये की लागत में कैसे काम करेंगे। इसलिए सबको रोक दिया गया है, कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है इस समय है, एक आम आदमी बिल्कुल परेशान है, त्रस्त है इस महंगाई से। हमारे साथ युवा व्यापारी मोहित अग्रवाल जी ने बताया कि सीमेंट और सरिया की जो वृद्धि हुई है उसका असर साफ साफ आम आदमी पे और व्यापारी पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी जो इसका काम करवा रहा था घर का जहाँ निर्माण चल रहे थे उन्होंने कहीं ना कहीं निर्माण रोका है और वहीं व्यापार पर भी सीधा सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है। मोहित अग्रवाल जी ने बताया कि लगभग 50% व्यापार कम हुआ है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।